सेंट मेरी स्कूल अमरेली के 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के हमारे प्यारे प्यारे सेंट मेरी स्कूल के बगीचे के पुष्पों में आज सबको गुड मॉर्निंग। और हमारा ड्राइंग का लेसन के लिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमको ड्राइंग करना है। अभी मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों ने ड्राइंग का बुक्स नहीं लिया है, लेकिन आपको मैं आज जो बताने वाला हूँ वो ड्राइंग सपोर्ट यानी कि ड्राइंग करने के लिए हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए इसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले पेंसिल। पेंसिल आप लेंगे जो भी कंपनी का है वो चलेगा। ऐसा नहीं कि अप्सरा का लेना है, नटराज का लेना है, ऐसा कोई भी नहीं है। इसके बाद इरेजर। इरेजर जो स्मूथ चलता है वही हमको इरेजर चाहिए। स्केल। स्केल पूरा 1 फीट का आता है वही आपको लेना है। 6 इंच का छोटा जो स्केल आता है वो आपका लेना नहीं है। आप स्केल स्टील का भी ले सकते हैं, वुडन का भी ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का जो 30 सेंटीमीटर का यानी कि 12 इंच पूरा 1 फुट का आता है वही हमको ड्राइंग के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद राउंडर लेना है जिसको हम परिकर बोलते हैं। एक बाजू उसका नोक आता है, दूसरी तरफ हम पेंसिल उसको रख के राउंड हाफ राउंड सर्कल बना सकते हैं, वो आपको परिकर लेना है। फिर हम जो ड्राइंग बनाने वाले हैं उसी में हम कलर फुल बनाने के लिए हमको उसको कलर लेना पड़ेगा, तो वाटर कलर आपको लेना है। अभी तक हम 1 से 5 तक पेंसिल या तो स्केच पेन या तो कोई भी ऐसे कलर से हमने ड्राइंग किया है। अभी हम थोड़े बहुत बड़े हो गए इसलिए हमारा ड्राइंग में इम्प्रूव लाना है, इसलिए जो ड्राइंग का सच्चा बनाना है उसी में हमको वाटर कलर अच्छा रहेगा। वाटर कलर से हम शेडिंग कर सकते हैं, उसका जो हाव भाव है वो उसको बाहर हम निकाल सकते हैं यानी कि डीप यानी आउट वो हम कर सकते हैं। इसलिए आपको वाटर कलर यानी कि पोस्टर कलर आता है वो आपको लेना है। आप छोटे छोटे आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए वही कलर अच्छा रहेगा। जो बोतल में आते हैं वो थोड़ा 6 महीने के बाद आपका प्रैक्टिस अच्छा हो गया, आपको कुछ ऐसा लगेगा कि मेरा ड्राइंग अच्छा होता है, मेरे हाथ से कलर अच्छा बनता है, तो फिर आप पोस्टर कलर बोतल वाला ले सकते हो। इसके बाद हम ब्रश। ब्रश अभी से ज़्यादा मत लेने का, हम नहीं बोलते फिर भी आप फ्लैट ब्रश लेते हो, वो ब्रश लेते हो, अभी हमको ज़रूरत ही नहीं है। हमको सिर्फ राउंड में जो 2 नंबर का छोटी लाइन के लिए छोटा हमको काम करना है, वर्क करना है, इसलिए हमको छोटा ब्रश यानी कि 2 नंबर का चाहिए। इसके बाद थोड़ा बड़ा काम करना है, जल्दी से कलर हमको फिलअप करना है, उसके लिए 5 नंबर 6 नंबर वो ब्रश लेना है। जिसको भी अच्छा ब्रश मिले वो अच्छा ब्रश लेने का है। इसके बाद जो हम कलर वर्क करेंगे उससे हमारा हाथ में कलर लगेगा, दूसरी जगह लगेगा, या तो ब्रश क्लीन करने के लिए हमको कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा आपको क्लॉथ कॉटन क्लॉथ लेना है। कोई दूसरा लेंगे तो आपको जो पानी है वो ऊपर ही रहेगा, ब्रश ठीक तरह सफाई नहीं कर पाएगा। इसके बाद कलर बना के लिए हमको प्लेट लेना है, तो प्लेट अच्छी हो ऐसा लेने का, नहीं तो प्लेट उठाते हैं कलर उससे या तो पानी उसमें से गिर जाता है, ऐसी प्लेट हमको नहीं लेना है, अच्छी वाली थोड़ी लेना है। बाद में जो कलर हमने फिल किया है उसको आउटलाइन देने के लिए हमको स्केच पेन चाहिए, तो स्केच पेन आपको जो अच्छी लगे वो लेना है। शार्पनर यानी कि पेंसिल को हम अच्छी बनाने के लिए शार्पनर भी लेना है। और अभी हम आपके पास ड्राइंग बुक नहीं है तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि स्केच बुक आप लेंगे, तो स्केच बुक में ही हमें वर्क करना है। ड्राइंग बुक में ज़्यादा सा हमको ड्राइंग दिया है उसमें सिर्फ कलर ही फिल करने का बताया गया है, लेकिन
हम जो ड्राइंग में काम करने वाले हैं वो स्केच बुक में पहले हम जो पूरा ड्राइंग दिया है उसमें हम वन बाय वन एक एक शेप बनाएंगे, उसका पेंसिल वर्क के शेडिंग करेंगे, इरेजर का हम यूज़ करके शेडिंग अच्छा सा बनाएंगे। बाद में आपको ये कलर काम या तो बुक्स बाद में ज़रूर पड़ेगी, इसलिए स्केच बुक अभी हमें ये पूरे वन मंथ में हम स्केच बुक में अच्छा सा वर्क यहाँ ही बोर्ड पे मैं कराऊंगा और आपको ये काम घर पे अपने स्केच बुक में करना है तो भी थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा। पहले स्टार्टिंग में हम जो भौमितिक ज्योमेट्रिकल हमको ड्राइंग दिया गया है वो वही से हम स्टार्ट करेंगे, वही सिर्फ पेंसिल से उसका शेडिंग करेंगे, बाद में हम कलर से ये काम करेंगे। तो ये सब आपको खरीद कर यानी के दुकान से लेकर आपको घर पे रखना है। नेक्स्ट जो आपको हमारा ड्राइंग का होगा लेक्चर, उसमें हम जो पहला जो स्टार्ट ड्राइंग होगा उसी को हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, हमारे साथ आप भी ड्राइंग करेंगे और उसमें शेडिंग भी करेंगे, और वही हम जब यहाँ हमारा स्कूल शुरू होगा तब हम उसको चेक करेंगे। इसीलिए आपको अभी ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है वो इकट्ठा करके आपको पास रखना है। जय हिंद।